भारत में रहने के लिए हिंदू होना, नागपंचमी मनाना, ये सब करना तो ज़रूरी नहीं है। भारत में तो आप हिंदू ना भी हैं तब भी रह सकते हैं। भारत में जगह मांगना, भारत की नागरिकता मांगना, उसके लिए हिंदू और हिंदू रीति रिवाज बनना और रक्षाबंधन की बात करना, ये तो कोई ज़रूरी नहीं था। ये क्यों किया फिर आपने? मैंने ये दिखाने के लिए नहीं करा सर, और मैं ये अब नहीं कर क्योंकि रही। दुनिया तो ये मानेगी ना कि दिखाने के लिए। कैमरे में तो मैं अब आई हूँ, ठीक सर। मैं जब कैमरे में नहीं थी, जब मैं इनकी पत्नी थी तब भी मैं ये सब करती थी, जब मैं पाकिस्तान में करवा चौथ मनाती थी तब भी मैं ये करती थी, ठीक। कैमरे में तो ये किस्मत की बात है, हम आ गए, ये हम वकील के पास गए, ये थे यहाँ पे उनके करीब में, तो हमने उनसे कोर्ट मैरिज की बात करी। मैंने अपने खुद उनको कागज़ दिखाया कि मैंने सर ये कागज़ है, मैं ऐसे ऐसे आई, मैंने वीज़े के लिए अप्लाई करी, ये चीज़ें मैंने सारी चीज़ें उनको दे दी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हारी शादी करा दूंगा। बाद में उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, कुछ भी कर दिया, क्योंकि हम कानूनी तरीका, हमने तब भी चाहती थी मेरे बच्चे स्कूल जाएँ, कानूनी तरीका हो। तो सर इसमें ये मतलब नहीं है कि मतलब मैं दिखाने के लिए, तब भी मैं मंगलसूत्र पहनती थी, तब भी मांग भरती थी, ये तब सब, भी मैं ये सब भारत की नागरिकता लेने के लिए नहीं, नहीं। ये मेरा अपना मन है, मैं हिंदू धर्म से बहुत प्यार, बहुत शांति, बहुत सुकून मानती हूँ, मैं खुद बहुत प्यार। अभी तो हिंदू धर्म को जाना कहाँ आपने, अभी तो कुछ ही वक्त हुआ। इतना जाना है, इतना मतलब अच्छा लग रहा है, इतनी सुकून और शांति मिल रही है, आगे जाने में पता नहीं क्या होगा। बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ सीख रही हूँ, बहुत कुछ वहाँ सीख चुकी थी, तो अभी आस्ता आस्ता ही होगा जाहिर सी बात। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सुकून और शांति से यहाँ पर मुसलमान भी रह रहे हैं। बिल्कुल रह रहे हैं, बिल्कुल रह रहे हैं। मैं दिखाने के लिए ना, मेरे पति ने मुझे प्रेशराइज करा है, मैं सबको बताना चाहूँ। लोग कहते हैं सीमा बिचारी को ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, कोई नहीं कराता, मुझे कोई प्रेशराइज नहीं करता, मैं अपनी मर्जी से, मन से, खुशी से। अब नहीं, पिछले 2 साल से हिंदू धर्म में ज़्यादा शौक रखती थी, मेरी इच्छा थी कि मैं त्यौहार मनाऊँ, क्योंकि वहाँ नहीं मना सकते थे इस बात की। वहाँ एक पाकिस्तानी सोनम लड़की मेरी दोस्त रही, हिंदू थी, वो इस बात की गवाह होगी कि उनके मंदिर, छोटा सा मंदिर है उनका घर के अंदर ही, तो वहाँ मैं जाती थी उनके पास। तो एक था, दो छोटे थे, एक थी काली मैया की मूर्ति, एक दूसरी मैया की मूर्ति थी। तो काली मैया की मूर्ति के पास मुझे जाने नहीं देते थे, तुम मत जाओ अभी, तुम इसके पास आओ। तो वहीं मैं पूजा वगैरह उनके साथ करती थी, मतलब बहुत इंटरेस्ट था। कैमरे में आने का मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने अपना फोटो भी अगर इतनी रील बनाई है ना, मेरा अकाउंट प्राइवेट रहा हमेशा। ये जब मीडिया में हो गई वायरल, सबने कहा तुम भी अपना पब्लिक कर दो, तुम्हारे नाम से लोग फेमस हो रहे हैं, हमारे ये वीडियो निकाल निकाल के, तभी मैंने ये पब्लिक करा। वरना मैंने ज़िंदगी में अपना फ़ोटो भी अपलोड करा हो तो कोई कहे, ज़िंदगी में नहीं करा। अब बात बच्चों की, बच्चे भारत के नारे लगा रहे हैं, अब वो तो जैसा माँ बाप बताएंगे वैसा करते हैं, बच्चों का मन तो ऐसा नहीं होता कि वो, तो ये फैसला बच्चों पे तो नहीं छोड़ा जा रहा ना, वो तो आपकी वजह से भारत के नारे लगा रहे हैं। ये गुलाम हैदर का भी कहना है कि बच्चों को बरगलाया जा रहा है। सर पहली बात, गुलाम हैदर हमें छोड़ के जा चुका था। एक बात, हैदर ने एक ही फ़ोटो दिखाया, वो बहुत पुराना मेरा उनका, वो भी फ़ोटो था, कभी मैंने इनके साथ सेल्फी नहीं ली। इनके बाप की फ़ोटो, अगर आप रिकॉर्ड, पूरे रिकॉर्ड में इसके बाप का, किसी भी खानदान का मेरे साथ फ़ोटो निकालें, कुछ भी निकालें, कॉल हिस्ट्री निकलवा लें, कुछ भी अगर मिल गई ना, तो फिर मैं दोषी। जब ये मुझे छोड़ चुके थे खुद से, गुलाम हैदर को पता है, उसकी पहले ही पत्नी थी, वो छोड़ चुके, आप सचिन के साथ आ गई, वो फैसला हुआ, बच्चे आपके साथ आ गए, बच्चों ने सचिन को अपना लिया, लेकिन बच्चों ने देश को क्यों, देश को क्यों अपना लिया बच्चों ने? जो सब मेरे बच्चों का फ्यूचर हिंदुस्तान में है, मेरे बच्चे अब हिंदुस्तान का नारा ही लगाएंगे, हिंदुस्तानी, अच्छे हिंदुस्तानी बन के दिखेंगे, मैं इनको ऐसी, ये फैसला उन पे नहीं छोड़ा जाना चाहिए बच्चों पे, जब बड़े हो जाएं। हाँ, जब बड़े हो जाएं, बड़े हो जाएं, अगर मन फिर भी इनका मन है, पर जब ही, जब तक मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद कहूँगी, मेरे बच्चे मेरे साथ कहेंगे, क्योंकि जैसे मतलब वो, मैंने उनको नहीं पढ़ा तुम बोलो बोलो बोलो, वो मेरे साथ खुद बोले अपनी माँ के साथ, कि मैं जिस चीज़ को हूँ तो मेरे बच्चे भी तो होंगे ना, मैं उनकी माँ थी, मैं ही उनके बाप